knowledge point and we discuss about fundamental geometrical concept and I will also discuss a मैंने डिस्कस किया है जो हमारा पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पॉइंट के बारे में पढ़ा और पार्ट टू के में हम लोगों ने लाइन और रे के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज के बारे में. सो एक्सरसाइज फर्स्ट, इसमें जो हमारी एक्सरसाइज है इसका चैप्टर हम लोगों का 16 है और इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जिसका 16 है और इसमें 9 क्वेश्चंस है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग 9 के 9 ही हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. नाउ उसके पहला है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहाँ पे हमारे कुछ बुक जो बुक्स से हम लोग एक्सरसाइज पढ़ी थी उनसे ही कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. आई मीन 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं. फर्स्ट, हाउ मेनी एंड पॉइंट डज अ लाइन सेगमेंट, हमारी जो लाइन सेगमेंट होती है उनमें कितने एंड पॉइंट होती हैं और रेस में कितनी इन पॉइंट होती हैं एंड लाइन में कितनी इन पॉइंट होती हैं. एंड अगर एंड आई होप यू ऑल रिमेम्बर, अगर आपको याद हो तो हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू में देखा था और सुना भी था कि हमारा जो लाइन होती है वो किधर, मतलब कि वो किधर को जाती है, मतलब उसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं. लाइन के 2 एंड पॉइंट होते हैं. नाउ ए एंड बी, जैसे हम लोग ए का क्या वर्ग और वर्ग, तो ये हमारे कितने हो गए 2 एंड पॉइंट्स हैं. एंड ए सी कितने हैं 1 एंड पॉइंट. एंड लाइन सेगमेंट के कितने हैं इसके 9. तो यहाँ पे उन्होंने पूछा हम लोगों को कि लाइन सेगमेंट में कितना होगा. ए लाइन सेगमेंट हैज टू हैज 2 एंड पॉइंट. लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट. लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, इट इज अ लाइन सेगमेंट एंड दिस इज अवर लाइन. एंड लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, हाउ मेनी एंड डज अरे ए बी हैव अ, ए बी हैज अ 1 एंड पॉइंट. और यही हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, रेखा के कितने एंड पॉइंट होते हैं 1. नाउ दिस इज अ आस्क कि हमें पूछ रहा है हाउ मेनी एंड पॉइंट डज अ लाइन ए बी हैव, लाइन में कितनी एंड पॉइंट होती है 1. एंड यू आप लोग ये सोच रहे हैं 1 क्यों होता है 1 जैसा 0. नो, वी हैव नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट. उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेफिनेट लेंथ. नाउ अब आप हम बताइए, इसे हमारी ये हमारा है, वेट अ सेकंड, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का, सेकंड का हम लोगों का जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा गया है कि ए बी, ये हमारा ए बी है. तो आप लोग इसे कहा है कि बताइए कि उसकी रिपीट लेंथ क्या क्या होगी, उसके ए हमारा ये बना हुआ है, ये है डॉट है, ये भी नहीं बना हुआ है, सिर्फ इतना बना है, यहाँ पे लिखा है रे भी नहीं लिखा है, यहाँ पे ब्रो लिखा है ए एंड बी, ये फर्स्ट है. एंड अब सेकेंड इज हाँ, फिर हमारा आता है ये ए बी, फिर हम लोगों का आता है ये ए बी. तो आप इसे बताइए कि किन किन की डिफरेंट लेंथ होती है, किन किन लाइन सेगमेंट की डिफरेंट लेंथ होनी. मैंने आपको भी बताया था कि किन किन की डिफरेंट लेंथ होती है, इसकी डिफरेंट लेंथ होती है. मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में और बताया पार्ट टू में, मतलब बताया था कि हमारे रे में डिफरेंट लेंथ नहीं होती है. सो दिस इज अवर नो एंड सेकेंड हम लोगों का है लाइन. तो लाइन में हम लोगों का डिफिनिट शेप होती है, लाइन डिफिनिट शेप होती है उसकी, डिफिनिट लेंथ होती है, क्योंकि अभी मैंने इसे इतना बनाया, अभी बाद में किसी ने आपको पढ़ा तो वो इतना बना देगा, इसलिए इसकी हम लोगों की डिफिनिट लेंथ होती है. डिफिनिट लेंथ नहीं मतलब कि एक जो हमारा रे होता है उसकी डिफिनिट लेंथ नहीं होती है. और जो हमारा हमारी जो
लाइन होती है उसकी भी नहीं होती नो, फिर हम लोगों का होता है लाइन लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की हम लोगों क्या होता है रे होती है, यस उसकी डिफरेंट लेंथ होती है। फिर हम लोगों का आता है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉइंग टू पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, हम लोग कितने पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं कि जिनकी हम लोग मतलब कि पॉइंट थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट, हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट हो और किस एंगल को या फिर किस लाइन को या फिर किस चीज को ड्रॉ करेंगे। अब इधर लिखा है कि अगर तुम्हें मतलब कि दो डॉट्स हमारे पास तो उनसे क्या बना लोगे एक लाइन, दो डॉट से आप लोग एक लाइन बनाओगे जैसे कि हमारी फर्स्ट डॉट यहाँ पे एंड फर्स्ट डॉट यहाँ पे, तो फिर आपने ये क्या मिलाकर बना दिया एक लाइन, तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे सिर्फ ओनली वन माय थ्री डॉट्स टू पास टू गिवन पॉइंट्स हम लोगों का ओनली वन एक फिगर बन जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। फिर आता हाउ मेनी लाइन वी कैन ड्रॉ इन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास हाउ मेनी गिवन पास थ्रू गिवन टू गिवन पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं तुम उसे कितने इनफिनिटली मेनी लाइंस कैन ड्रॉ इन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट्स, वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, ये आपको नहीं बता रहा कि हमारे पास चार पॉइंट्स है या फिर पांच पॉइंट है या फिर छह पॉइंट है या फिर सात पॉइंट है, ये इसे नहीं बता रहा है, इसलिए आपको ये कंफर्म नहीं कितने भी पॉइंट के लिए, अगर इन्होंने 100 से ज्यादा दे दिया तो इसलिए इनफिनिटली कि कितने ही बन सकते हैं यू डोंट नो इनफिनिटली मेनी। फिर हम लोगों का पी इज हमारे फिक्स पॉइंट है जिसका पी दिया गया हुआ है and how many days we can draw it with the Indian point, आप उससे कितने Indian points को draw कर सकते हैं infinity, बहुत सारे बना सकते हैं days को, तो यहाँ पे हम लोग का infinity हो जाएगा। फिर हम लोगों का आता है यहाँ पे आपको अपने scale से बनाना है, तो ये हम लोग मतलब I will not discuss, draw a line segment of a length 5.3, अब ये 5 पॉइंट आपको 3 की एक लाइन से भी बनाती है मैसे बनाती यहाँ पर हम लोग का हो गया, लेकिन भी आपको उसे मीजर करना भी विच कैन बी मीजर्ड इन योर स्केल एंड आपको फिर से बनाना है। फिर हमारा हाउ मेनी पॉइंट यू हैव बी ड्रॉन थ्रू थ्री, हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं 1 2 एंड दिस इज अवर थ्री, तो आप इनसे क्या बनाएंगे, इनसे हम लोगों का तीन पॉइंट से बन जाएगा कॉन्सुलर पॉइंट बनेगा, कॉर्नियर पॉइंट बनेगा, यस उससे कितनी लाइन बन जाएगी थ्री डॉट से, उससे एक लाइन बन जाएगी, इसलिए ये हमारा क्या हुआ कॉलिनियर, तो यहाँ हम कॉलिनियर बन जाएगा, नॉन कॉलिनियर हम लोग की थ्री लाइन ड्रॉ हो जाएंगे थ्री डॉट से। सो हम लोग की जो फल एक ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। सो गाइस आई होप कि आपको तीनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, तो मिलते हैं उसे वीडियो में हम लोग मैथ के किसी और चैप्टर के बारे में। सो बाय बाय।